ए वतन से मिटने वालों, ए वतन से मिटने वालों, भारती के नो निहालो, है तुम्हें शत शत नमन, है तुम्हें शत शत नमन, है तुम्हें शत शत नमन, शहीदानी वतन, शहीदानी वतन। जागरण के गीत गाकर, जागरण के गीत गाकर वतन को तुमने जगाया, वतन को तुमने जगाया। जी सुनो को बांध कर सर पर कफन, बांध कर सर पर कफन, शहीदानी वतन, शहीदानी वतन। बहुत बढ़िया वर्षी जी, गाना बहुत बढ़िया था। आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो अगर हम लोगों को जैसे वैरायटी देनी है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि गाना के हिसाब से वो वैरायटीज देते जाते हैं। ये तो शहीदों का गाना था, अगर हम लोग गजल की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस है, और अगर आप हमें गजल का एक टुकड़ा भी सुना देंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए ऐसा है, गायकी में एक तो ये होता है कि आदमी एक सीमा में बंधा हुआ गाता है। लोग 40 साल से गा रहे हैं, उसी ढंग से गाते रहते हैं, कोई वैरायटी चेंज नहीं होती। एक्चुअली मेरा काम मंच का नहीं के बराबर रहा है, म्यूजिक डायरेक्शन में रहा है। तो म्यूजिक डायरेक्शन में ये विधा होती है कि कौन से गीत का क्या श्रृंगार करना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो अभी जैसे आप गजल की बात कहते हैं, मैं आपके सामने एक गजल पेश करता हूँ और आप इससे महसूस करेंगे कि उस गायकी में इस गायकी में फर्क है। मैं आपको भक्ति संगीत भी सुना सकता हूँ, आपको मैं ठेठ राजस्थानी गीत भी गा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर का वितान इतना होना चाहिए उसके स्वभाव में, उसके मैं आपको कहेंगे तो गजल की भी मैं पेश कर दूंगा। देखिए एक बहुत सुंदर गजल है और वो है अपने श्री शायर जहीर कुरेशी जी की है, बहुत अच्छी गजल है, मैं उसे खूब गाता हूँ। अपने स्वांत सुखाए, आप भी उसको स्वांत सुखाए लेवल पे सुनिए। देखिए बात जब फूलों से करना आ गया, जिंदगी में रंग भरना आ गया। सुनिए बात जब फूलों से करना करना।
जड़ते मुझको जड़ते देख कर तो देखा आपने संगीत किस तरीके से इंसान को स्वस्थ रख सकता है और इसका उदाहरण है वशिष जी। जी हाँ दोस्तों, संगीत के नूर हमें वर्तमान को बरतना और जीना सिखाता है। वो ऐसा तसल्ली देता है और हमारे आत्मा को रोमांचित कर देता है। अभी दोस्तों इस खास कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास मुलाकात जारी रहेगा। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो वशिष जी, आप हमें बताइए कि 60-70 साल के ऊपर हो गया आपको संगीत की दुनिया में, तो आपने क्या चेंजेस देखा संगीत की जगत में? देखिए, संगीत का एक युग था, मैं आपको संगीत की ताकत बता रहा हूँ। मध्यकाल के अंदर जब दूसरे लोग हम पे, बाहर से आए लोग शासन कर रहे थे, बाहर से आए हुए लोग जब हम पर शासन कर रहे थे, तो इस देश की एक तरह से आत्मा मर गई थी। उसको जिंदा रखने के लिए हमारे संतों ने इकतारा लेके, चिमटा लेकर के, तानपुरा लेकर के और जो अलग लगाई, इस भारत की संस्कृति, इस भारत की विचारधारा, इस भारत के रीति रिवाज जिंदे बने हुए हैं। संगीत की ताकत मैं बता रहा हूँ। और उस समय बड़े बड़े विद्वान गायब हो गए अथवा कत्ल कर दिए गए अथवा कैद कर दिए गए, लेकिन संतों ने जगाए रखा कि संगीत की ताकत है। तो संगीत दो कामों के लिए, एक अपने आत्मा के उर्धारोहण के लिए, आत्मा के विकास के लिए, और दूसरा है जनता को, समाज को प्रेरित प्रभावित करके सही मार्ग पर चलाने के लिए। दो ही रास्ते हैं संगीत के, ये दो रास्ते मुख्य रास्ते हैं। बाकी के जो है बनावटी हैं, बाकी के सारे चाहे वो कहीं किसी भी लेवल के हों, वो कोई महत्व नहीं रखते। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्मी म्यूजिक कितना महंगा होता है, कितना फिल्म पे बड़ा बड़ा काम हो रहा है, लेकिन आज कबीर जिंदा है, आज मीरा जिंदा है, सूरदास जिंदा है, तुलसीदास जिंदा है, लेकिन अच्छे अच्छे फिल्मी सॉन्ग्स हमारे यहाँ से गायब हो गए। तो ये संगीत पारमार्थिक आधार होता है इसका, पहला आत्मकल्याण, आत्मविकास, आत्मा का उद्धारण, और दूसरा जो है समाज को प्रेरित प्रभावित करना और समाज को दिशा दर्शन करना। संगीत के दो ही उद्देश्य मुख्य हैं, बाकी तो फिर कुछ भी किया जाए। वशिष जी, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कला और संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, तो अगर आप हमें राजस्थानी का कोई लोकगीत गाके सुनाएंगे? मैं आपको राजस्थानी का सुना, राजस्थान की बहुत रिच है। अब ये है कि लोगों ने उन सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि कला समय के हिसाब से डेवलप होती रहती, आगे बढ़ती रहती। मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा जो राजस्थानी में है, आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए। भुला राम पंछी डारे भुला राम
जुड़े हुए चीज़ों इतनी सारी जानकारी हमें दी और स्वस्थ रहने का एक राज भी आप हमने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ जी। सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा नमस्कार और इसी निवेदन के साथ संगीत को जीवन से जोड़े, जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, ये मेरा अनुभव है, आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।